स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। पश्चिम मध्य रेलवे जोन में 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन जबलपुर रेल मंडल द्वारा किया गया। स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक मंडल के विभिन्न स्टेशनों, रेलवे कॉलोनी और सभी कार्यालय में रेल परिसरों को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए विभिन्न कार्य किए गए। जबलपुर रेलवे मंडल के मंडल प्रबंधक विवेक शील ने बताया कि मंडल के छोटे एवं बड़े सभी स्टेशनों पर सघन स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छ रेलगाड़ी अभियान के अंतर्गत सभी रेलगाड़ियों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। रेलवे लाइनों को भी स्वच्छता अभियान के तहत स्वच्छ रखा गया। 15 दिनों तक चले अभियान में मंडल के सभी रेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रेल यात्रियों और आम जनता की भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता के निर्माण में जबलपुर रेल मंडल सफल रहा। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। एक पखवाड़ा स्वच्छता के अभियान के रूप में मनाते आ रहे थे, हर बार 14 दिन होते थे। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे एक्सटेंड करके लगभग 1 महीने का पखवाड़ा मनाया गया, जो कि पूरे जोन में मनाया गया और जबलपुर मंडल में भी मनाया गया। तो डीआरएम सर के निर्देशन में एवं मार्गदर्शन में हम लोगों ने थीम बेस्ड एक्सरसाइजेस की हैं, ताकि हमारा जो कार्य रहे स्वच्छता की श्रेणी में वो वाइड स्प्रेड भी रहे और फोकस्ड भी रहे। हर दिन एक स्पेसिफिक थीम होती थी, हर एक स्पेसिफिक एरिया होता था जिसके हिसाब से काम किया था, टारगेट किया जाता था। मैं तो निवेदन करूंगा कि एक बार हम प्रेजेंटेशन के थ्रू सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए था। उसके अलावा सारे स्टेशनों पे शपथ ग्रहण किया गया। उसके बाद में 2 तारीख को गांधी जयंती पर श्रमदान किया गया। हमारे जो सबसे अच्छे कर्मचारी हैं, साथी हैं, सफाई कर्मी हैं, उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। और हमारे यहाँ पे जो एक ट्रेन संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, उसको मंडल के बड़े सभी स्टेशनों पर बहुत फोकस कार्रवाई की गई। 4 तारीख को भी स्वच्छ स्टेशन पे हमारे यहाँ पे जो दूसरे अन्य श्रेणी के स्टेशन है वहां पर फोकस कार्रवाई की गई। 5 तारीख को स्वच्छ रेलगाड़ी के तहत कार्य किया गया, जिसमें हमारे मैकेनिकल विभाग ने विशेषकर बहुत ज्यादा मेहनत की और हमारी सारी ट्रेन जो हमारी 88 रूट किलोमीटर पड़ता है और सभी के ऊपर इंक्लूडिंग यार्ड एंड स्टेशन कार्रवाई की गई। हम लोग के लिए बेहतर होगा, हमारे यहाँ पे 2 बड़े स्कूल, एक कटनी में और एक जबलपुर में, इनमें हमारे जो बच्चे हैं उनसे इसमें पेंटिंग कॉम्पिटिशन कराई गई, अवेयरनेस भी था, उन्हें निषेध के लिए कार्रवाई की गई। इसमें 2 मेन एक्टिविटीज थी, अवेयरनेस फैलाना, सिग्नेचर कैंपेन स्वच्छता पखवाड़े के संबंध में। सुनो, मिस्टर मधुर वर्मा ने अभी बहुत ही संक्षेप में लेकिन बड़े तरीके से बताया हमको, हम सबको अवगत कराया कि हम लोगों ने कैसे कैसे स्वच्छ आहार, स्वच्छ पटरी, स्वच्छ स्टेशन, स्वच्छ परिसर, शौचालयों पर भी ध्यान दिया, ऑफिस के कार्यालयों में भी ध्यान दिया, बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व किया और हम लोगों ने एक 30 दिनों तक स्वच्छता के ऊपर काफ़ी अधिक श्रम करके एक अपनी प्रतीकात्मकता, अपनी कटिबद्धता के बारे में हमने सबको बताया कि हम लोग यहाँ पर उपस्थित मीडिया के बहनों और भाइयों से और उनके माध्यम से सबको बताना चाहता हूँ कि जबलपुर मंडल रेलवे के जबलपुर मंडल ने जो स्वच्छता पखवाड़ा में काम किए हैं उसमें स्वच्छ नीर, स्वच्छ आहार, स्वच्छ रेलवे स्टेशन, स्वच्छ पटरी, स्वच्छ शौचालय आदि पे काम किया है और ये एक हमारा प्रतीकात्मक प्रयास है जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम स्वच्छता के प्रति पहले से अधिक सजग और कटिबद्ध हैं। हमारा प्रयास पहले से अधिक और पहले से बेहतर स्वच्छता देने का है और ये एक प्रतीकात्मक प्रयास है और हम आने वाले दिनों में भी ऐसे ही अच्छा काम करने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।